हमारा हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे, उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। यूपी एसटीएफ ने अनुज का इनकाउंटर कर दिया, लेकिन पीछे छूट गए कानों को चीर देने वाले अनुज की बहन के कुछ अभूत सवाल, जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। ये इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद बड़े फलक पर चर्चा में आए सुल्तानपुर डकैती कांड में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया था। मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को एनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे कर्ता धर्ता था उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? और अब लूट के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह को भी यूपी एसटीएफ ने मार गिराया और बिरादरी देखकर एनकाउंटर करने के अखिलेश यादव के आरोपों पर लगाम लगा दी, जिसके बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर अपनी भड़ास निकाली। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई थी, लेकिन अनुज के एनकाउंटर के बाद मामले में लगातार उठ रहे सवालों के जवाब मिलते नजर आ रहे हैं। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये अनुज प्रताप सिंह था कौन, जिसके एनकाउंटर को पुलिस बड़ी उपलब्धि बता रही है, और आखिर कैसे अनुज एक डकैत बन गया। तो अनुज प्रताप सिंह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, कोरोना के दौरान मां नीलम सिंह की मौत हो गई, जो शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थी। रोजी रोटी के जुगाड़ में नौकरी करने अनुज गुजरात के सूरत चला गया, जहां उसे शातिर अपराधी और पड़ोसी विपिन सिंह का साथ मिला। विपिन के साथ उसने अपराध की दुनिया में पैर रखते हुए लूट की, इसमें अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। काफी दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली तो वह गाँव आया। ग्रामीणों की माने तो वह घर में शांतिपूर्वक रह रहा था। पिता धर्मराज सिंह उर्फ बबलू के कोटे पे हाथ बटाता था। अनुज प्रताप सिंह के सिर इसी वर्ष सहरा भी बनना था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। रविवार को पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में अनुज मारा गया। अनुज सिंह के बाबा बसंत सिंह संभ्रांत लोगों में से एक थे, उन्हें सरकारी राशन वितरण की दुकान आवंटित थी। उनकी मृत्यु के बाद विरासत में पुत्र धर्मराज को कोटा मिल गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं था। पिता धर्मराज की माने तो बेटे का विवाह हलियापुर से तय किया गया था। अनुज सिंह का 15 वर्षीय छोटा भाई आयुष सिंह भी है। तो कुल मिलाकर मूल रूप से अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव जनापुर का रहने वाला अनुज प्रताप सिंह जौनपुर के कुख्यात विपिन सिंह गिरोह के संपर्क में आने के बाद जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। इस बदमाश ने गुजरात के सूरत में भी विपिन सिंह के साथ मिलकर डकैती डाली थी। वहीं सुल्तानपुर डकैती कांड में भी यह बदमाश सबसे पहले ज्वेलरी शॉप में घुसा। वीडियो फुटेज से पुलिस ने इस बदमाश की पहचान की है। वारदात के बाद से ही फरार चल रहे इस बदमाश की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक इस वारदात का सरगना विपिन था, हालांकि उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था। वारदात में शामिल 8 बदमाशों को पुलिस ने दबिश के दौरान अरेस्ट किया। वहीं एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गोली मार कर पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने अलग अलग हुए एनकाउंटर में अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। मजबूरी में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, इसमें इन दोनों की ही मौत हो गयी।